हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं मेथी मठरी। ये मठरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इन्हें आप चाय के साथ या अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये मठरी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए मठरी बनाना शुरू करते हैं। स्वादिष्ट मेथी मठरी बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम मैदा ली है। अब इसमें हम एक चम्मच अजवाइन, ये छोटी चम्मच ली है मैंने, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और इसमें मोयन के लिए हम ये 1/2 कटोरी ऑयल ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से लड्डू बनने लगे हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने मठरी के लिए आटा तैयार कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इतनी छोटी छोटी हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे इसकी। ये मैंने सारी लोइयां काट ली हैं। अब मैंने इस तरह से गोल गोल करके ऐसे चपटा कर लेंगे। ये मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैंने फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम मठरी डाल देंगे। मठरी को थोड़ा सा हम और दबा देंगे इस तरह से। अब मठरियों को हम धीरे धीरे ऊपर आने देंगे। ये देखिए मठरी कितनी अच्छे से फूल रही हैं, फूल कर ऊपर आ गई हैं। अब हम इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए मठरी में कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये मैंने सभी मठरी सेक कर तैयार कर ली हैं। टेस्टी टेस्टी मेथी मठरी बनकर तैयार है। इन मठरियों को बनाकर आप दीपावली पर मिठाइयों के साथ जरूर परोसिएगा। सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी मेथी मठरी का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।